तो आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ इंसान तो क्या दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिखाई देता। आई सर्वाइव्ड 100 डेज इन डेजर्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ शुगर कैन भी था, तो वो उठा के मैं एक गांव की तलाश में निकल पड़ा। तो आप ये टाइम लैप एंजॉय कीजिए। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. बहुत देर चलने के बाद मुझे एक विलेज दिखता है। तो मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, और इसमें पेड़ मिलना तो बहुत असंभव था। पर विलेज में आई थिंक एक वो एकेसिया का सैपलिंग मिल सकता है। अगर मिल गया तो हमारा लक है, जो कि 1.3 समथिंग अराउंड है। इतने परसेंटेज चांसेस होते हैं एकेसिया वुड वो प्लांट मिलने का। तो सभी घर को लूट लिया। पहले तो मैंने एक बेड लिया, बाकी चेस्ट लूटने लगा सभी घर की। अरे ये तो हमारा काम है विलेजर्स को लनले बनाना। इसमें क्राफ्टिंग टेबल भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्राफ्टिंग टेबल भी चुरानी, दो दो चुरा ली। बाद में यहाँ पे थोड़े से शुगर कैन भी लगा दिए ताकि हमारा बुक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और क्या। तो एक आयरन गोलम के भी बलि चढ़ानी पड़ी। तब तक रात हो गई, तो इसी के घर में जाके मैं सो गया। दूसरे दिन मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई थोड़े से स्टोन माइन करने के लिए। बाद में स्टोन के साथ साथ मैंने नीचे कोल भी देखा था, तो कोल भी माइन करने चला गया। और ऊपर आके थोड़े स्टोन के टूल बना लिए, जैसे कि स्वॉर्ड और वो पिक, मतलब कि एक्स। और तभी मुझे, मैं ऊपर के घर में जा रहा था, तभी मुझे मिला एकेसिया का सैपलिंग। मतलब समझ रहे हो हम कितने लक्की है। और यहाँ पर हमारी MLG देखना, अभी प्रो वाली MLG, वाह भाई। बाद में सॉल बनाई और यहाँ पे अपना एरिया साफ करने लगा। सफाई हमारा काम है ब्रो। जल्दी से ये एरिया मैंने प्लान कर दिया। तब तक रात हो गई, तो विलेजर के घर में ही सोएंगे। अपना घर कहाँ है अभी। तो यहाँ पर मैं पर्वत का गड्ढा ठीक कर रहा हूँ, तो वो टाइम लैप एंजॉय कीजिए आप। बाद में मैं डर्ट की खोज करने के लिए पानी में गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल और डर्ट पानी में ही मिलते हैं। फिर यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। बाद में यहाँ पर मैंने ऑप्टिफाइन किया और मुझे थोड़ी सी डर्ट ऊपर दिख गई थी, तो वो माइन कर ली। और एक सैपलिंग मिला था, उसको भी हमने प्लान कर दिया ताकि वो जल्दी से उग जाए। फिर एक आयरन गोलम और स्पॉन हो गया था, उसको भी मारने की जिम्मेदारी हमारी है।
उसको, अरे बाबा इसने मेरे को मार दिया, खाना खाना पड़ेगा। और फिर तेरी बलि चंडी तो पक्की है ब्रो, तूने हमको मारा है, तेरे को तो अलग ही मारेगा। कैसे क्रिकेट क्रिटिकल पड़ रहा है देख रहे हो, अपन तो प्रो है। बाद में दो तीन और आयरन गोलम मारे और फिर नई जगह बनाई यहाँ पर सैपलिंग प्लांट करने की, ताकि जल्दी से पानी के पास ग्रो हो सके। तभी एक पेड़ बड़ा हो गया था तो उसे भी मैंने काट लिया। और फिर पानी में जाके थोड़े से ग्रेवल उठाए फ्लिंट के लिए, क्योंकि फ्लिंट से मैं बना रहा था फ्लेचिंग टेबल, आई थिंक फ्लेचिंग टेबल ही होता है। तो जल्दी से ग्रेवल लगा कर उसमें से फ्लिंट की तलाश करने लगा मैं, और एक फ्लेचिंग टेबल बनाया और एक विलेजर को उसकी जॉब दे दी। तभी दो विलेजर के बीच में हाथापाई हो गई, मैं बनूंगा, पर एक पहले पहुंच गया तो वो बन गया हमारा फ्लेचर। तभी एक और आयरन गोलम को मार दिया मैंने, और स्टिक के लिए डेजर्ट में घूमने लगा। ऐसे स्टिक के लिए घूम रहा था तभी मुझे याद आया मैंने अपने घर के कोऑर्डिनेट ही नहीं लिए, तो यहाँ पर हमारी MLG देखना, थोड़ी देर के लिए तो मेरे गोटे मुंह में आ गए थे कि मर गया अब तो मैं। तभी घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो वहाँ पर एक आयरन गोलम भी पैदा हो गया था, उसे भी निपटा लिया। फिर ये शुगर केन हटाई मैंने और घर पे जाके सो गया। दूसरे दिन उठकर मैंने एक ट्री चॉप कर लिया जो कि बड़ा हो गया था, करना ही चाहिए। और फिर अपने वो क्या था शुगर केन के लिए पीछे एक जगह बनाने लगा, तो वो बाद में यहाँ पर भी थोड़े शुगर कैन थे, वो भी काटने चला गया। डेजर्ट में यह बड़ा फायदा होता है, शुगर कैन हर जगह मिल जाते। थोड़े से सैपलिंग चोरी कर ली, सीड सॉरी सीड, और उसके लिए फार्म भी बनाने लगा। यहाँ पर एक स्टोन की वो ही बनाई और प्लांट कर दिया सारे सीड। और यहाँ पर मेलन मेलन या पम्पकिन, मेलन ही था आज, मेलन का सीड भी प्लांट कर दिया। और मैंने अपना आयरन का पूरा तो नहीं, पर अपनी चड्डी नहीं बन पाई, तो हेलमेट चेस्ट प्लेट और बूट बना लिए। तो तभी एक और आयरन गोलम मेरे को दिखता है, तो उसको मार के हमारी चड्डी बनानी थी तो चड्डी भी बना ली। तो हम हो गए फुल कवर, आयरन के फुल आर्मर में। कैसा लग रहा हो, चमक चमक रहा है ना अभी तो मैं। फुल पावर जोश है अपने में, देखो ये कैसे जल रहा है। साले अपना का खुद का बनाओ, अब मेरे को देख के क्यों जल रहे हो यार।
तभी रात हो गई तो सोना तो पड़ेगा, तो सो गया फिर से। और दूसरे दिन वो बीट रूट और सभी चोरी किया था वो फिर से प्लान करने लगा। थोड़े से डोर बनाए और पानी में से ग्रेवल लेने चला गया। जल्दी से ग्रेवल माइन करके सारे कलेक्ट किए। अगर शुगर कैन बड़े हो गए थे तो उसको भी काट लिया। फिर सारे शुगर कैन कलेक्ट कर लिए। फिर तभी ये मुझे फिर से घूम के जाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर पीछे भी एक एंट्रेंस बना दी, उसे सजा भी दिया। तभी बहुत सारे पेड़ ग्रो हो गए थे तो उसे भी काटना बनता है ना। और मुझे एक ज़ोंबी को मार के पोटैटो मिला था, तो इसके लिए मैं फार्म लैंड बड़ा करने लगा। और आयरन गोलम को भी मारा। और फिर यहाँ पे मैं ब्रीडिंग होल बना रहा था, ब्रीडिंग होल नहीं मतलब कि ब्रीडिंग फार्म, वो दोनों विलेजर को कैप्चर करके रखने का। तो उसका टाइम लैप एंजॉय कीजिए आप। और ये कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे जाने सोने चला गया। और कोबल स्टोन की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे एक माइन बना ली नीचे से कोबल स्टोन माइन करने के लिए। जल्दी से मैं माइन करने जा ही रहा था कि तभी ये मॉन्स्टर लोग आ गए, तो उसको भी मार दिया हमने। और बाद में कोबल स्टोन माइन करने के बाद बाउंड्री बनाने यहाँ पे आ गया, तो उसका भी आप पूरा पूरा करके मैं मिलूँगा। उसका भी टाइम लैप एंजॉय कीजिए आप। और यहाँ पे पोटैटो भी हमने प्लांट कर दिया ताकि वो ब्रीड कर सके दोनों विलेजर। और फिर दो कंपोस्टर बनाए। दोनों कोनों में लगा दिया कंपोस्टर। और फिर वही माथा कोट करने की विलेजर के साथ कसीट के लाओ। मैंने दो विलेजर को कैप्चर कर लिया था यहाँ पर बोट में बिठाकर। अब
रेल बनानी पड़ेगी ऊपर चढ़ाने के लिए। थोड़ी सी रेल बनाई, एक माइनकार्ट बनाई और मैं ऊपर लेने ही जा रहा था, तभी एक विलेजर यहाँ सामने से आ गया था, तो उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया और दूसरे को रेल की मदद से डाल दिया। तभी ये विलेजर जॉब नहीं ले रहा था, तो उसकी बलिदानी चढ़ानी पड़ेगी हमको, तो उसको भी मार दिया। और दूसरा बार था, उसको मैंने बोट में बिठा दिया। पर वो सामने से जा रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर रास्ता बनाया और अंदर डाल दिया उसको भी। फिर बोट तोड़ दी और मैं बाहर निकल गया और फिर से कंपोस्टर लगा दिया यहाँ पर। और थोड़े से बेड की ज़रूरत थी, तो तीन चार बेड उठा दिए विलेजर के हाउस से अपने का बनाने का, इसमें तो वो यहाँ पर प्लेस कर दिए। और यहाँ पे बाउंड्री थोड़ी बड़ी कर दी ताकि ज़ॉम्बी ना घुस सके। यहाँ पे नीचे हमारा रास्ता ठीक करने लगा, लेडर लगा दी। और फिर मैं माइन में गया। थोड़े से कोबलस्टोन इकट्ठा करने के लिए थोड़ी सी स्टेयर बना ली, ऊपर आते आते लगा दी रास्ते में ताकि जल्दी ऊपर आ जा सके और स्पेस का और जंप का यूज ना करना पड़े। ऊपर आके खेती भी करनी पड़ी, सब सीड और बड़े हो गए थे तो खेती भी कर ली हमने और साथ में प्लांट भी कर दिया पोटैटो वो सबको, अगर खाने की कमी ना हो सके और क्या। यहाँ पे बीट रूट लगाए, यहाँ पर सीड लगा दी। और मैं अब बना रहा था मो फार्म, आई थिंक मो फार्म, या मो फार्म, तो वो मैं पानी के बीच बना रहा हूँ, तो उसका भी टाइम ले आप एंजॉय करना। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. They be piling up inside. Drop it, now. Inside the circle. Could this moment be meant to be?
बाद में ऊपर टॉर्च भी प्लेस कर दी ताकि ऊपर कोई स्पॉन ना हो, और जल्दी पानी में जंप मार के नीचे आ गया। नीचे भी ठीक करना था ना, यहाँ पे चार स्लैब लगाए और ये कोबल स्टोन तोड़ दिया। तब तक हमारे शुगर कैन बड़े हो चुके थे, तो इसको भी काट लिया। और ये कर बीच में आ रहा था तो उसको तोड़ दिया ताकि हमारा फार्म और एक्सपी फार्म तक जाने का रास्ता सही लगे। तो ये पूरा कर तोड़ के मैं आपके आपको बाद में मिलता हूँ। बाद में अपने रहने की भी जगह बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं अपना एक आलीशान बड़ा सा घर बनाऊंगा। मतलब बड़ा तो नहीं होगा, अपना अपने के लिए चल जाए उतना ही काफ़ी है। तो वो भी आप टाइम लैप में एंजॉय कीजिए।
तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है हमारा घर। अभी रुको, अभी इंटीरियर भी ऊपर दूसरा फ्लोर बनाएंगे, तो उसके बाउंड्री पहले बना देते हैं और अंदर से भी भरना पड़ेगा ना। तो अंदर भी फील करने लगा स्लैब से ही। और गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। प्लीज कर दो यार, आपके हाथ में सब कुछ है। और दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ी बनानी, तो यहाँ पर मैंने सीढ़ी भी बना ली। ऊपर तक जाने के लिए शॉर्ट वे है ये हमारा। फिर यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा था तो स्लैब हटा के पूरे ब्लॉक ही बनाकर लगा दिए, ताकि बाउंड्री अच्छी लगे हमारी। सभी जगह पर मैंने ये कर दिया चारों ओर। बाद में थोड़ी सी फेंस बना ली वहाँ पर बॉर्डर पे लगाने के लिए। भी अच्छा लग रहा है, तो फेंस लगा के मिलते हैं। फेंस की कमी पड़ेगी। अरे आ थोड़ी और बना लेते हैं फेंस, और यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये बची है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है। यहाँ पे लेंटेन लगेगा, लेंटेन लेंटेन ही बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बीच में भी एक लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। और फिर थोड़े से मैंने लेंटेन बना लिए और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बताओ कैसा लग रहा है हमारा घर। फिर थोड़ी सी डिजाइन सोचने लगा नीचे के फ्लोर के लिए भी। तो नीचे ब्लॉक लगाए, ऊपर थोड़ी सी स्टेयर्स बची थी तो स्टेयर्स लगाई, और बीच में स्लैब। अच्छा लग रहा है यार, ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सब करने के बाद मिलते हैं हम आपसे। डोर भी लगाना पड़ेगा, अपना घर है तो अपन खुद ही खोलेंगे, बंद करेंगे। तो चारों ओर डोर लगा दिए और अंदर सजावट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्लैब के ऊपर लेंटर लगा दिया। उजाला भी ज़रूरी है ना, तो यहाँ पे फर्नेस लगाई, थोड़ी सी जगह थी उसमें। तो ये कवर हो गया पूरा। बाद में बेड लेके आ गया और इस कोने में हमारे बेड लगेंगे, और वहाँ पर जो लेंटन लगा है ऐसा यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारी जगह फुल। यहाँ पर चेस्ट लगा दी और बाहर का सारा सामान अंदर ट्रांसफर कर दिया। बताओ कैसा लग रहा है, ये कोना भी सही लगने लगा ना। सभी सामान को रख देते हैं, बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो पॉट और वो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता, वो बाहर लगा दिए, अच्छा लगे इसलिए। और बाद में शाम हो गई थी तो वापस हो गया। तो ऐसे ही हमारे 25 दिन ख़त्म हो गए। तो आपकी ये मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा।
बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।